कोरोना की दूसरी लहर, इसके बारे में थोड़ी बात करूंगा आपसे। देखिए, कोरोना की दूसरी लहर ये बहुत भयानक रूप धारण कर रही है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस ये दूसरी लहर है। पहले लहर का ऐसा था कि पहले लहर जो पिछले साल आई थी, इस समय लोग बहुत डरे हुए थे, इतना ज्यादा डर सोशल मीडिया ने मचा दिया था, बहुत लोगों ने अपने आप को प्रोटेक्ट किया और वो काफी कंट्रोल में आ गई। अभी हुआ क्या है कि लोगों का अभी डर निकल गया। इसका एक प्रमुख कारण यह हो सकता है कि अभी वैक्सीन उपलब्ध है, टीका उपलब्ध है। जो लोगों ने पहला टीका लिया हुआ है, एक डोज जिनका हुआ है, उनको काफी कॉन्फिडेंस आया हुआ है और वो सत्य है कि समझो अभी कोरोना होता है तो मरने के चांसेस बहुत कम है। जिनका दूसरा डोज हुआ है उनको भी काफी अच्छा कॉन्फिडेंस है और वो अच्छी बात है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई अभी कोरोना होता है तो भी बहुत माइल्ड सिम्टम्स आएंगे और बहुत ही छोटे लक्षण, कम प्रमाण में लक्षण आएंगे और वो ठीक हो जाएगा, जान को खतरा नहीं है। तो वैक्सीनेशन होने के बाद में भी लोगों का डर जो था वो काफी निकल रहा है। मगर अभी प्रॉब्लम यह है कि अभी ये जो है इन्फेक्शन, अभी जो कोरोना का ये जो दूसरा टप्पा चालू है, दूसरी लहर, तो लैंसेट में ऐसा बोला गया हुआ है या अभी सब तरह, मतलब जो साइंटिफिक जितने भी स्टडीज आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये एयरबॉर्न भी है। और एयरबॉर्न मतलब ऐसा कि पहले कैसा था कि हाथ मत लगाओ, टच मत करो, इवन लोग नोट भी हाथ में लेते नहीं थे, कोई वस्तुएं लेते नहीं थे, मोबाइल भी किसका लेते नहीं थे क्योंकि उसको लगाऊंगा वायरस। अभी क्या है कि अभी वो एयरबॉर्न बताया गया। एयरबॉर्न मतलब वो हवा, हवा के कणों के साथ में, और जब हम बात करते हैं तो थोड़ा उसमें एरोसोल्स होते हैं, मतलब थोड़ा सा पानी स्प्रे जैसा आता ना, वैसा थोड़ा पानी भी रहता है इसमें, तो उसमें वो रहता है वायरस। तो फिर क्या होता है कि वो हवा में जीवित रहेगा और आप वो व्यक्ति के आसपास में जाते हैं और सांस लेते हैं तो अंदर चले जाएगा। इसलिए मास्क जरूरी है, क्योंकि मास्क यदि पहनते तो अंदर जाने के चांसेस बहुत कम है। मगर अभी ये जो इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन पहले वाले से इन्फेक्शन से ज़्यादा कंटेजियस है। और दूसरा, पहला जो इन्फेक्शन था उसमें जो क्लास सोशियो इकोनॉमिकली डाउन टर्न था, मतलब वीकर सेक्शन था, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग, गरीब लोग, उनको ज़्यादा प्रमाण में हो रहा था कोरोना। मगर उनकी इम्यूनिटी जो है ना, ये लोग जो रहते हैं वो कोई बिस्लरी का पानी नहीं पीते, वो तो बस जैसा खाना है वैसा पीना है वैसा चल रहा था, उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो जो लोगों को कोरोना हुआ, जिनको इम्यूनिटी अच्छी है, वो लोगों का डेथ रेट कम था। अभी डेथ रेट ज़्यादा है, अभी मरने का प्रमाण ज़्यादा हो रहा है। मगर एक अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन से प्रमाण कम हो जाएगा, मरने का प्रमाण। मगर अभी ये जो कोरोना का अभी दूसरी लहर है, इसमें ज़्यादा सेकेंडरी इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहे, जैसा ये इसमें अभी लोग स्टीरॉइड्स दे रहे हैं तो स्टीरॉइड से कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहे, कंट्रोल करने के लिए लोग स्टीरॉइड खा रहे, डॉक्टर भी दे रहे, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो रहे, माउथ में, मुंह में बहुत छाले आ रहे, लाल हो रहा है और सफ़ेद दाग हो रहे, लोगों को आ करना मुश्किल हो रहा है, मुंह को टेस्ट नहीं है, खाने के लोगों की इच्छा होती नहीं है, खाने जो खाना खाते हैं उसमें वो अच्छा लगता नहीं है, ये थोड़ा सा इन्फेक्शन अलग लग रहा है, साइंटिफिक स्टडी चालू है। मगर अभी अभी सरकार ने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि अभी हम 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को लस देंगे, वैक्सीन देंगे। अभी बताओ कि 18 साल के ऊपर के सभी को लस देंगे ऐसा बोला है, और हमारे देश में आबादी हम हिसाब से पकड़ते हैं तो कम से कम 90-100 करोड़ लोग जो है वो 18 साल के ऊपर के होंगे, तो 90-100 करोड़ लोगों को दो डोज देना, मतलब 200 करोड़ डोज वैक्सीन के तैयार करना और देना, ये तो कोई दिखाई देता नहीं सामने कि कैसा संभव होगा, कब होगा। और यदि कर सकते हैं हमारे देश में, क्योंकि अभी तक काफ़ी लोगों को दिया हुआ है डोज, अभी मेरे पास में आंकड़े नहीं है कि कितने लोगों को दिया है, कहीं आंकड़े कुछ बोलते हैं 5 करोड़ को दिया, कुछ बोलते हैं 10 करोड़ को दिया, 5 से 10 करोड़ के बीच में आंकड़ा होगा कि जिनको अभी तक दिया हुआ है डोज, वैक्सीन दिया हुआ है कम से कम एक टीका, तभी वो 200 करोड़ टीके देने में कितना दिन लग जाएगा। और यदि हम उसकी यंत्रणा खड़ी करते हैं बहुत अच्छा हो जाएगा, और 4-6 महीने के अंदर ये कोरोना कंट्रोल में आ सकता है, ये लहर, सेकेंड लहर जो है वो। और फिर अभी हमारे मुख्यमंत्री ने बोला कि थर्ड के लिए भी तैयार हो जाओ,
थर्ड लेयर भी आ सकती है। अभी महाराष्ट्र में पूरा लॉकडाउन डिक्लेयर कर रहे हैं 15 दिन का और कड़क निर्बंध ला रहे, तो उसमें हो सकता है कि कंट्रोल में आ जाएंगे, पर लोगों का डर निकला हुआ, ये सबसे अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लोग डरे नहीं हैं, और थोड़ा डरे हैं तो अच्छा है एक तरह से, कंट्रोल में रहते हैं लोग, घूमना फिरना बंद। अभी तो क्या ऐसा लगता भी नहीं कि कुछ 144 कलम चालू है या कोई निर्बंध लागू है, लगता भी नहीं रोड पे आप घूमते हैं तो। सिर्फ दुकानें बंद रहती है, पीछे से दरवाजे खुले हैं दुकानों के और दुकानें चालू है। कभी टीका करना, टीका लेना बहुत जरूरी है, और टीका लेने से काफ़ी हद तक इम्यूनिटी लोगों में आ जाएंगी, डेथ रेट कम हो जाएगा। अभी तो ऐसा हो रहा है कि हर शहर के जो स्मशान भूमि है वहाँ तो लाइन लगी हुई है। आज ही हम गए थे एक अंत्ययात्रा में, उनको कोरोना नहीं था, तो 17 लाशें लाइन में लगी हुई थी और 4 घंटे का वेटिंग लिस्ट था, और जलाने वाला जो आदमी है वो 1,000 रुपये हर एक से ले रहा था ऊपर के, नंबर लगे हुए है। और कुछ लोगों को तो मतलब ऐसे जमीन पे रखा हुआ था डेड बॉडीज, और उनके लिए भी जगह होने की बाकी थी, और पहले जैसा था कि भाई 3 दिन में जाओ, फिर अस्थि विसर्जन करो, अस्थि जमा करो, अभी 3 दिन वगैरह कुछ नहीं, 3 घंटे के बाद में बोलते आ जाओ, पोते में बांध के रखा हुआ है थैली में और लेके जाओ। तो इस तरह का ये अभी चालू है, लोगों ने खुद की केयर लेना बहुत जरूरी है। लोग होता क्या है कि 2-4 दिन घर में निकालते हैं, बुखार है, बुखार है, खांसी है, डर लगता है हॉस्पिटल में जाने का, एक तो खर्चे बहुत बड़े हुए हॉस्पिटल के, और हॉस्पिटल के लोगों के बारे में बहुत चर्चा, चीखे मारना, लोगों का चिल्लाना चालू है, मगर लोग ये नहीं समझ रहे कि हॉस्पिटल जो लोग चला रहे उनके भी खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। जो काम करने वाला आदमी पहले 10,000 रुपये में मिलता था, वही आदमी अभी 30,000 रुपये लेता है। जो डॉक्टर 15-20 हज़ार रुपये में काम करने को तैयार था, वही डॉक्टर भी 80-85 हज़ार में काम करने को तैयार है, वही तैयार नहीं है, 60,000 देने के बाद में सोचता बोलता हूँ। तो मैन पावर बहुत महंगी हो गई हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हो गए, मगर लोगों को चिल्लाना चालू रहता है। जब वो जाते हैं हॉस्पिटल में तो हाथ पैर पड़ते कि हमारा पेशेंट ले लो, हॉस्पिटल प्रशासन बोलता कि नहीं है जगह हमारे पास में, ऑक्सीजन की नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, हाथ पैर जोड़ते हैं, और 1-2 दिन हो गए तो फिर मारामारी चालू हो जाती है कि अभी हमारा पेशेंट तो अच्छा हो गया मगर बिल अभी बहुत ज़्यादा ले लिया। तो लोगों ने थोड़ी सी मन की शांति भी रखना जरूरी है, हॉस्पिटल को समझ के लेना जरूरी है, और अपना अपना ख्याल रखना जरूरी है। मास्क पहनना, दूरी रखना 6 फीट की, और अपने आप को बचाना, ये भी परम कर्तव्य हर एक का है। थैंक यू वेरी मच।